मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग यशराज, यशिता, भरत, सोचवल, स्थिति, समृद्धि, पूर्वा, हर्षिता, अनुष्का, आदित्य एंड जानवी. ओके ठीक है. सो काफी लोग अब तो भी नहीं आए, तो तब तक लास्ट लेक्चर रिवाइज करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं. अच्छा, आप लोगों को होमवर्क सॉल्व करने के लिए बोला था, हो गया कंप्लीट? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन इन एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन इन. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लाइक सॉल्विंग के टाइम पे, जैसे क्वेश्चन नंबर A1 का थर्ड पार्ट नहीं हो रहा है, थर्ड पार्ट व्हाट्सएप किया, फिर A2 पे आ गए, सिक्स पार्ट नहीं हो रहा है, सिक्स पार्ट व्हाट्सएप कर दिया, फिर A3 पे आ गए, A3 में सेवंथ नहीं हो रहा है, सेवंथ पार्ट व्हाट्सएप कर. ये ठीक नहीं होता बेटा, ये टाइम वेस्ट होता है बहुत इससे. ठीक है, एक साथ डिस्कस करो पूरा, वो बेस्ट रहता है. ठीक है. हाँ, अभी वो बात अलग है कि जैसे आधे घंटे किसी फ्रेंड से चैट कर रहे हैं, चलो यार थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं एक क्वेश्चन. ठीक है, तो वो एक अलग बात है. स्टार्ट करते हैं, शीट डिस्कशन कर लेते हैं पहले. एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन A, क्वेश्चन नंबर A1 में कोई डाउट? अभी यहाँ पे एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने कुछ, तो ठीक है, इसका मीनिंग तो यार डिक्शनरी भी कर सकते हैं हम लोग. वैसे इसका मीनिंग ये होता है कि मॉड बेसिकली आपको ओपन करना है बाय इट्स नेचर, जो भी एक्स की कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग. ठीक है, क्वेश्चन नंबर A1 में कोई डाउट है? A1 में कोई भी पार्ट में कोई डाउट है आप लोग बोल सकते हो. A1 का सेवंथ पार्ट कुछ भी नहीं है सेवंथ पार्ट में. यार देखो, 2 to the power x-1, ये तो सिंपल ही है. मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 क्रिटिकल पॉइंट है -2, और ये है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 क्रिटिकल पॉइंट है -1. तो कंप्लीट नंबर लाइन को आप करोगे 3 पार्ट्स में डिवाइड. लेफ्ट साइड है -2 और फिर है -1, और फिर ओपन करोगे इसको 3 केसेस बना करके. लाइक -2 और यहाँ पे -1. ठीक है, इन दिस रीजन ऑल बोथ मॉडुलस विल बी पॉजिटिव ओपन एज इट इज. ठीक है, यहाँ पे ये पोर्शन है -2 के राइट साइड में, यानी ये वाले भाई साहब एज इट इज ओपन, और ये ओपन विद नेगेटिव साइन. ठीक है, इन दिस रीजन बोथ मॉड विल बी, मॉड नहीं बोलना चाहिए, मॉड के अंदर जो एंट्री है वो बोल सकते हैं. ठीक है, वो नेगेटिव यानी ओपन विद नेगेटिव साइन. बस इतना ही क्वेश्चन था. नेक्स्ट बोलो. A2 अभी रहने दो यार, है ना, ग्राफ वगैरह रहने दो, अभी वो आज सीख जाओगे आप. A2 अभी रहने दो. A3 फोर्थ. A3 में क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ भी नहीं है भाई, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 स्क्वायर है. कल बताया था x² और मॉड ऑफ x² सेम ही होता है, तो ये मॉड तो हट गया. ठीक है, फिर ये है मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, वहां पे बना लो आप 2 केसेस. फर्स्ट केस x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, वहां पे तो इसको एज इट इज ओपन कर दो, सॉल्व कर लो, केस मस्ट बी फॉलोड, यानी जो सॉल्यूशन है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1. केस 2 x लेस देन -1, फिर इसको ओपन करो विद नेगेटिव साइन, सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, केस मस्ट बी फॉलोड, यानी कि जो सॉल्यूशन है दैट शुड बी लेस देन -1. मतलब या फिर सपोज करो केस 2 में आपको सॉल्यूशंस मिल गए, लेट्स से -3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, तो इनमें केवल -2 ही एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि वही लेस देन -1 आएगा, इसलिए बाकी कुछ है नहीं फोर्थ पार्ट में. ठीक है, नेक्स्ट बताओ. यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स को टी पुट कर दो, सही है, इसको प्लस माइनस 6 कर दो, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स टी पुट कर दो, ये है मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, इसमें कोई कंडीशन नहीं है. ठीक है, बाकी तो सब सिंपल ही है. ए थ्री में और कोई पार्ट? थर्ड. ए थ्री का थर्ड पार्ट सर, आंसर मैच नहीं हो रहा है, देख लेते हैं. ए थ्री थर्ड पार्ट, एक्स क्यूब -6x² प्लस 11x -6 इज इक्वल टू आइदर 6 और -6. ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड टू इक्वेशंस, एक्स क्यूब -6x² प्लस 11x -12 इज इक्वल टू 0,
और पॉसिबल है एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स इक्वल टू जीरो, करेक्ट? ठीक है, यहाँ पे एक्स कॉमन, रिमेनिंग है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस इलेवन इज इक्वल टू जीरो. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, डी माइंड में होना चाहिए, इसका डी आ गया नेगेटिव, सो ओनली सॉल्यूशन इज एक्स इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे आप, रेंडम नंबर पुट करोगे और ट्राई करोगे जीरो लाने. x is equal to 0 पे 0 नहीं आ रहा है, x is equal to 1 पे भी 0 नहीं आ रहा है, x is equal to 4 पे डायरेक्ट 4 2 या 4 4 तो x minus 4 will be one of the factors remaining. आप find कर लो x square, ये हो गया x cube minus 4x square minus 2x square, ये हो गया अभी plus 8x यानी अभी 3, और ये हो गया यहाँ पर match, correct है, is equal to 0. इसको सिंथेटिक डिवीजन बोलते हैं, नॉर्मल डिवीजन भी कर सकते हो आप, है ना? और इसके कर दो अभी मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स हो नहीं पाएगा क्योंकि इसका डी क्या आ रहा है, नेगेटिव. सो फाइनली आंसर से एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड ये होना चाहिए बस. सॉल्यूशन क्या गिवन है, आंसर में क्या गिवन है? सर 0.4. तो यही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर A4 में कोई डाउट? A4 का फिफ्थ टेस्ट पार्ट. A4 का फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों देखते. अच्छा, फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट है? फर्स्ट पार्ट में डबल क्रिटिकल पॉइंट है, x इज इक्वल, ऐसे नहीं करते यार इसमें ना, इसमें ऐसे नहीं करते हैं कि x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6 x माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, ऐसे नहीं होता है. इसमें टोटल 3 केसेस बनेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दोनों एज इट इज ओपन. इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. हाँ, ग्राफिकल मेथड होता है जिससे पता चल जाता है कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं, बाकी सॉल्व के लिए तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा. ठीक है, मतलब सॉल्यूशंस कितने आते हैं वो पता चल जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन के लिए तो सॉल्व ही करना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशंस, मतलब सॉल्व करना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो 3 केसेस विल बी देयर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दोनों एज इट इज ओपन, x लेस देन 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एज इट इज ओपन, ये ओपन विद नेगेटिव साइन, एंड थर्ड केस x लेस देन 0, दोनों ओपन विद नेगेटिव साइन. ये सिखाया था ना कल? हाँ, और फिर केस मस्ट बी फॉलोड, 1 हो जाएगा. सेकंड तो इजी है, x को राइट साइड लेके आओ और फिर इसको लिखोगे ऐसा, x स्क्वायर माइनस 2x मॉडुलस इज इक्वल टू 6 माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 माइनस x, एक बार प्लस और एक बार माइनस, बट यहाँ पे 6 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है, ओनली दो सॉल्यूशंस विल बी एक्सेप्टेबल वेयर 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है, x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x माइनस 1, एंड 2x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसमें तुम चाहो तो केसेस भी बना सकते हो, बहुत सारे मेथड्स होते हैं मर्ड को सॉल्व करने के. जैसे थर्ड क्वेश्चन में एक मेथड तो ये है कि x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x माइनस 1 एंड कंडीशन इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, या फिर सेकंड मेथड, इसमें कोई केस नहीं बनाया हमने ना. सेकंड मेथड ये कि आप केसेस बना लो, लाइक फर्स्ट केस हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और यहाँ पे ये ओपन होगा अभी एज इट इज, केस मस्ट बी फॉलो. सेकेंड केस x लेस देन 3 ओपन करोगे विद नेगेटिव साइन, अगेन केस मस्ट बी फॉलोड, यानी कि सॉल्यूशन विच इज लेस देन विल बी एक्सेप्टेबल. ठीक है, फोर्थ पार्ट में कोई डाउट है? केस बना दो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एज इट इज ओपन, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू आइदर 3 और केस मस्ट बी एक्सेप्टेबल, केस मस्ट बी फॉलोड, ये पॉसिबल है ये पॉसिबल नहीं है. सेकेंड केस x लेस देन 0 ओपन विद नेगेटिव साइन, माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये खुद पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अभी आप बोल रहे थे फिफ्थ पार्ट क्या? अगेन कुछ भी नहीं है इसमें, मॉड a इज इक्वल टू मॉड b, a इज इक्वल टू प्लस माइनस b, यानी x माइनस सॉरी मॉडुलस है, x माइनस 1 मॉडुलस माइनस 2 इज इक्वल टू आइदर x माइनस 3 और मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3, फिर 2 इधर और 2 यहाँ पे, फिर ये क्वेश्चन बन गया मॉडुलस ऑफ x माइनस 1
इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, और ये क्वेश्चन बन गया माइनस एक्स प्लस फाइव। अभी ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर थ्री सेम ही है, इसको फिर ओपन करोगे प्लस माइनस, बट यहाँ पे x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस फाइव शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब सॉल्व करके दिखाऊं क्या पूरा, बताओ, कर लेते हैं? आंसर मैच नहीं, आंसर मैच नहीं कर रहा है, मतलब वही बात है, सॉल्व करके बता दो, कर लेते हैं। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, और मॉडुलस ऑफ x माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स। Mod A is equal to mod B, A is equal to plus minus B. Minus 2 using transposition right side, और ये बन गया अभी x minus 1, और यहाँ पे है कितना है यहाँ पे 5 minus x, ठीक है, x minus 1 is equal to 5 minus x, और x minus 1 is equal to x minus 5, ठीक है, यहाँ पे mod of x minus 1 is equal to x minus 1, यानी बेसिकली उसने मॉड को एज इट इज ओपन किया है, यानी दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहां पे तो 101% इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। देखो यार, कुछ भी आप कर रहे हो ना, मतलब अच्छी बात है, नेक्स्ट स्टेप लिखो, बट माइंड ओपन रहना चाहिए। जैसे मेरे को देखा अच्छा है तो सेम ही है, तो माइंड में फिर वो वाला क्वेश्चन आ गया जो हम लोगों ने कल किया था, जिसमें क्वाड्रेटिक था, where a positive or d less than or equal to zero, but अभी ये quadratic जैसा कुछ भी नहीं, तो only greater than equal to zero, यानी x greater than equal to one, ये full solution acceptable है, full, इधर आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2x is equal to 6, x is equal to 3, ये check करोगे आप, है ना, ये check करोगे, this must be positive क्योंकि ये mod के equal है, x is equal to 3 put करने पर ये पॉजिटिव ही है, यानी ओके सॉल्यूशन है। यहाँ पे x कैंसिल, माइनस वन और माइनस फाइव सेम नहीं होते, सो फाइनल आंसर्स है x greater than equal to 1 and 3, but 3 already greater than equal to 1 में आ रहा है, यानी x greater than or equal to 1, ये फाइनल आंसर है इसका, ऐसा। नेक्स्ट कौन सा बोल रहे थे आप, सिक्स्थ पार्ट का, कुछ भी नहीं है, mod A is equal to B, this is equal to plus minus bracket 5x plus 3, again 5x plus 3 should be greater than or equal to 0, ऐसा करोगे या मैं सॉल्व करूं पूरा, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, A5 और A6 में कोई डाउट? A6 का सेकंड, ग्राफिकल मेथड से कैसे करते हैं, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो इतना सब नहीं करते, बहुत जल्दी से अगर आप बना के पता कर लेते हैं वो सीख जाओगे, अभी इसको रहने दो, है ना, हाँ, मतलब इस पूरी शीट में मॉड के जितने भी क्वेश्चंस है ना वो सारे सीख जाओगे, ठीक है, हाँ ठीक है, इसके अलावा अदर कहीं पे भी शीट्स वगैरह है, बुक्स वगैरह है, तो उनमें एक दो लेक्चर के बाद और सीख जाओगे। पार्ट टू पे आते हैं, एक्सरसाइज वन पार्ट टू सेक्शन ए, सेक्शन ए अगेन A1 अभी रहने दो, ठीक है, एक्चुअली ऐसा होता है वो बताऊंगा मैं सारी चीजें, A2 में कोई डाउट? इसमें प्लस माइनस करके ओपन कर दो, देखो इन दोनों एक्सप्रेशंस में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है ना, ये लीनियर एक्सप्रेशंस हैं, लीनियर एक्सप्रेशंस में स्ट्रेट लाइंस ग्राफ बनते हैं, इनमें पैराबोलिक ग्राफ बनते हैं, तो इसका जितनी देर में आप ग्राफ बनाओगे ना उतनी देर में इसको सॉल्व कर दोगे, बट इसका ग्राफ बना लो बेस्ट रहता है, क्योंकि वो लीनियर है, इजिली ग्राफ बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर A3 को सॉल्व करने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं था, बताया था कल मॉड एक्स है या एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, तो ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, यानी सिक्स सॉल्यूशन है तो माइनस सिक्स भी आएगा, तो समेशन कितना हो गया, जीरो, बिना विदाउट सॉल्विंग आंसर है इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर A4 हो गया होगा, है ना, A5 में कोई डाउट? यस सर, यस सर, A5 डिस्कस कर लेते हैं, A6 में कोई डाउट है? नो, अगेन मॉड इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी,
but x plus 2 should be greater than or equal to 0. Case must be followed. A7, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा. क्रिटिकल पॉइंट है -3 अपॉन 4, क्रिटिकल पॉइंट है 4 अपॉन 3. थ्री केसेस, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? x greater than equal to 4 upon 3, दोनों exit is open. x less than 4 upon 3, but greater than equal to -3 upon 4. ये exit is open और ये open with negative. और फिर x less than -3 upon 4, both open with negative. केस चेक करना पड़ता है, ठीक है? अभी एक क्वेश्चन रिमेनिंग है A5, ये सॉल्व कर लेते हैं. इसको नोट्स में ही कर लेते हैं ना. क्वेश्चन नंबर A5 है, मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 शुड बी अ प्राइम नंबर. देन नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स इज. तो आपको फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ एक्स. एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर. अच्छा, इंटीजर को आई से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल जेड से भी डिनोट करते हैं. कैपिटल जेड से कॉम्प्लेक्स नंबर को भी डिनोट करते हैं, बट ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आयोटा नहीं होता है ना, तो इंटीजर ऐसा. ठीक है, इसको फैक्टराइज करोगे तो फैक्टर्स बन जाते हैं इसके x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3. मॉड कैन बी सेपरेट इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन. ठीक है, अभी दिस शुड बी अ प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर का एक स्पेशलिटी ये होता है कि इसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होते हैं? टू फैक्टर्स, जिनमें एक फैक्टर होगा 1 कंपलसरी और अदर फैक्टर होता है वो नंबर इटसेल्फ. ठीक है, तो इसमें से कोई तो एक फैक्टर 1 बनना चाहिए. वैसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो गए अभी तक? 3. तो 3 फैक्टर होते ही नहीं कभी भी. फिर भी एक चांस ये है कि हो सकता है कि 2 फैक्टर 1 बन रहे हो. 31 into 31 नहीं हो सकता है ना, 31 into 31 प्राइम नंबर नहीं होता है, बट 1 into 1 into 3 प्राइम नंबर होता है. तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कोई तो 2 फैक्टर क्या बन गए, 1 और थर्ड फैक्टर प्राइम नंबर बन गया, जैसे 3, 5, 7, 11 ऐसा. बट 2 फैक्टर मतलब ये 2, देखो तुम्हें दिख रहे होंगे तीनों जो नंबर्स है ना वो डिफरेंट है, तो 2 1 नहीं बन सकते. समझ रहे हो ना भाई? x माइनस 1 और x माइनस 2 तो डिफरेंट ही होता है ना, बट ये पॉसिबल है कि कोई एक माइनस 1 बन जाए और सेकंड 1 बन जाए, क्योंकि माइनस 1 का मॉड भी कितना होता है? 1. तब भी अब मतलब ओवरऑल फाइनल जो रिजल्ट है वो ये है कि इसमें एक तो बनना चाहिए माइनस 1, मतलब मॉड के अंदर जो इनपुट है वो. सेकंड बनना चाहिए 1 और थर्ड बनना चाहिए क्या? ठीक है, एक तो बनना चाहिए यहाँ पे माइनस 1, सेकंड बनना चाहिए 1 और थर्ड बनना चाहिए प्राइम नंबर. मतलब 1 तो बनेगा कोई तो एक, है ना? तो लेट्स से इसको 1 बनाते हैं, तो x इज इक्वल टू 2. ये ओवरऑल 0 बन गया, पॉसिबल नहीं है. इसको 1 बनाते हैं तो x इज इक्वल टू 3, ये वाले भाई सब 0 बन गए, ये पॉसिबल नहीं है. इसको 1 बनाते हैं तो x इज इक्वल टू 4 और 4 पर ये बन गया 3 और ये भी पॉसिबल, मतलब कुछ पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल. करेक्ट, मॉडुलस नहीं होता यहाँ पे तब तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था. मॉडुलस था इसलिए एक चांस ये आ गया था कि चलो ठीक है, हो सकता है एक माइनस 1 बन गया हो. तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए, और कोई डाउट रिमेनिंग है तो बोलो. क्लियर? ठीक है, सो लास्ट टर्म पे क्या कर रहे थे हम लोग? लास्ट टर्म पे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने मॉडुलस रिलेटेड, और ये सारे क्वेश्चन हो गए थे. ठीक है, ये भी हो गया था मॉड इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, मॉड इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू प्लस माइनस बी हियर. बी मस्ट बी नॉन नेगेटिव. अच्छा, बी मस्ट बी नॉन नेगेटिव ये केवल सेकंड स्टेटमेंट के लिए है बस, है ना? फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं है, बाकी ये सब हो गया था. इस क्वेश्चन में कोई डाउट? यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो उसको और कोई तरीका नहीं होता है, ये केसेस बनाने ही पड़ते हैं आपको. बेसिकली मेन जो
पॉइंट है ना, वो मॉड को टैकल करना है आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू लेट्स से 6। सॉल्व करना, करो स्टार्ट। अच्छा आप लोग एक काम कर सकते हो क्या, 11th में आपको रेशनल इनइक्वेशंस, सुनो सभी लोग, रेशनल इनइक्वेशंस, इरेशनल इनइक्वेशंस, लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस और एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशंस सिखाया था, याद है? और काफी अच्छे सिखाया था, काफी सारे प्रैक्टिस शीट्स भी थे उसके, तो ये रिवाइज कर लेना। ठीक है, इसको रिवाइज कर लोगे तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, वरना 1 month वहां पे लगा था, 1 month फिर से यहाँ पे लगेगा इन सब में, है ना? तो इस पे क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग काफी सारे, बस ये आप लोग रिवाइज कर लेना, रेशनल इनइक्वेशंस, इरेशनल इनइक्वेशंस, लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस और एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशंस। कुछ ऐसा चलता था वहां पे, बेस लेस देन 1, बेस ग्रेटर देन 1, ठीक है, वैसे कुछ। ठीक है, तो ये आप लोग रिवाइज कर लो, इसके वीडियो लेक्चर्स भी हैं, वहां से चाहो तो वहां से रिवाइज कर सकते हो, बाकी नोट्स तो है आपके पास। तो क्वेश्चन है दिस, modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 4 is equal to 6. Two critical points are there, x is equal to 1 and 4. Karo sir. X greater than equal to 4, X less than 4, greater than equal to 1 or X less than 1. बस इनको सॉल्व करना है। तो यहां पे as it is open, अच्छा एक पॉइंट माइंड में रखना, जैसे मॉडुलस ऑफ 4 माइनस एक्स है तो दिस नेचर और दिस नेचर डिफरेंट होता है। एक्स माइनस 4 के केस में आता है प्लस माइनस प्लस, कुछ नेटवर्क इशू हो गया मुझे। हाँ, एक्स माइनस 4 के केस में होता है प्लस माइनस प्लस, याद है? और 4 माइनस एक्स में माइनस प्लस माइनस पे होता था। कंक्लूजन इज, जैसे x माइनस 4 विल बी 0 एट x इज इक्वल टू 4, 4 के राइट साइड में पॉजिटिव और 4 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव, 4 माइनस x इज आल्सो 0 एट x इज इक्वल टू 4, बट 4 के राइट साइड नेगेटिव। जैसे 5 पुट करो, 4 माइनस 5 नेगेटिव, तो इतना टेंशन हम लोग नहीं लेते हैं। 4 माइनस x के प्लेस पे आप क्या लिखोगे? x माइनस, आप 4 माइनस एक्स को एज इट इज यूज करोगे ना तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा फिर यहाँ पे। ठीक है, तो 4 माइनस एक्स को x माइनस 4 बना लेना। कहने का मीनिंग ये है कि जो हाईएस्ट पावर में x होता है ना उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लिखा हुआ है तो इसको आप लिख दो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस,
और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करो. ठीक है, सो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दोनों सेट इज ओपन, यानी 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11 अपॉन 2, केस मस्ट बी फॉलोड. डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है ये, यानी ओके सॉल्यूशन. ये देखते हैं, x less than 4, this negative but this positive, यानी x minus 1 minus x plus 4 is equal to 3 is equal to 6 नहीं होता. x less than 1, both open with negative sign, यानी minus 2x plus 5 is equal to x is equal to minus 1, less than 1 होता है. Okay solution. So finally, how many solutions? Two, sir. Next question आप ये करो. Is equal to 3. सेम लास्ट क्वेश्चन ही है, बस राइट हैंड साइड पे जो नंबर है ना वो चेंज हुआ है. x इज इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में आता है, मतलब ओके सॉल्यूशन. यहां पे आएगा माइनस 2x और कितना प्लस 5 इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू 1. पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेस देन 1 में नहीं आता, इधर आता है. ओपन एज इट इज और ओपन विद नेगेटिव साइन. 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3. हाँ, तो इसका फिर क्या मतलब, क्या कंक्लूजन है इससे? ऑलवेज 1 टू 4 ऑलवेज पॉसिबल, बट दिस केस मस्ट बी फॉलोड. यानी ये केस, ये फुल केस आंसर है. दिस फुल केस इज एक्स बिलोंग्स टू 1 2 और साथ में ये भी, यानी फाइनल आंसर एक्स बिलोंग्स टू 1 2. हाउ मेनी सॉल्यूशंस? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. क्वेश्चन होता हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस, देन आंसर Four. 1 से 4 तक कोई भी नंबर आप यहाँ पे पुट करोगे ना, तो ये एक्सप्रेशन डेफिनेटली कितना आने वाला है? लेट्स से 2.9 पुट करते हैं. 2.9 माइनस 1 यानी 1.9, 2.9 माइनस 4 यानी माइनस 1.1 यानी कि 1.1. समेशन 2.4, 2.3, एनीथिंग फ्रॉम 1 टू 4 ये आएगा इज इक्वल टू 3, करेक्ट? तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन पूरा सेम ही है, बस राइट साइड में कांस्टेंट चेंज हो रहा है, उससे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी चेंज हो रहे हैं. एक क्वेश्चन और करते हैं. ये क्वेश्चन है,
Then also a teacher. Again, three cases. Diet open 2x minus 5 is equal to 2, 2x is equal to 7, x is equal to 3.5, not possible. Ye open as it is, ye open with negative sign 3 is equal to 2, not possible. Yahan pe dono open with negative sign, yani minus 2x plus 5 is equal to 2, x is equal to 1 upon negative 1, 2, 3. 3 by 2. X is equal to 3 by 2. 3 by 2. Again, not possible, kyunki 3 by 2. ये लेस देन वन नहीं होता है ना. ओके सो यहां पे फाइनल आंसर है नो सॉल्यूशन करेक्ट. एक क्वेश्चन अभी आप ये सॉल्व करो. मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें is equal to 5, second question है is equal to 2, third question है is equal to 1, fourth question है is equal to minus 2, fifth question है is equal to minus 3. Solutions find करने, number of solutions फिर आई जाएगा अपने आप से. देखो सारे questions को अलग-अलग solve मत करना, ऐसे बना, समझ गए ना proper, left side वाला expression open करके रखो. फिर कॉलम वाइज जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया थ्री कॉलम्स के अंदर, समझ गए. ऐसा मत करना कि पूरा क्वेश्चन ही फिर से सॉल्व करने बैठ गए स्टार्टिंग से, क्योंकि लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन सेम ही है. x greater than or equal to 3 expression कितना आ रहा है left hand side में. left hand side expression 2. हाँ 2 आएगा, सही है. दोनों open as it is, minus को disturb मत करना है ना, ठीक है. तो x minus 1 यहाँ पे लिख लो, x minus 1 minus of x minus 3 यानी just 2. ओके, लेस देन थ्री ओपन विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव इनटू नेगेटिव, हाँ, और ये ओपन एज इट इज 2x माइनस 2x माइनस लेस देन 1 बोथ ओपन विद नेगेटिव साइन, यानी माइनस एक्स प्लस 1 और यहां पे माइनस माइनस प्लस, यानी ऐसा माइनस टू. सो फोर ये लेफ्ट साइड एक्स. हाँ बोलो. वो प्लस थ्री ना, कहाँ पे प्लस थ्री है? वो फर्स्ट एक्सप्रेशन में. दिस एक्सप्रेशन नो, एक्स लेस देन वन में. एक्स लेस देन वन में प्लस थ्री आना चाहिए. प्लस थ्री क्यों आना चाहिए? अरे एक्स लेस देन वन है ना, तो दोनों ओपन विद नेगेटिव, तो भाई ये नेगेटिव भी तो है.
negative into negative. Positive. नहीं समझे भाई, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन डिफरेंट है. यहाँ पे नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे ना तो प्लस इनटू माइनस माइनस. बट अभी क्वेश्चन है दिस, तो माइनस इनटू माइनस विल बी प्लस. तो ये माइनस टू हो गया. अभी यार देखो ये माइनस है ना, इसको तो तुम्हें देखना, इसको डिस्टर्ब थोड़ी करोगे आप. मॉड से मॉड के अंदर वाली चीजें पॉजिटिव बनती है, मॉड के बाहर वाली चीजें पॉजिटिव थोड़ी बनती है. ऐसा कुछ होता, सपोज करो कि यहाँ पे हम लोगों ने मॉड चैप्टर स्टार्ट किया और जितने भी चैप्टर्स पढ़े इसमें जितने भी नोट्स हैं सब पे माइनस अपने आप से पॉजिटिव बन गए, ऐसे होता है क्या? ये तो ऐसे नहीं हो पाएगा ना. फर्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू, नो सर. हाँ तो 2 इज इक्वल टू 5 लिखूं यहाँ पे? 2 इज इक्वल टू 5 डायरेक्ट कट कर दूं यहाँ पे? कट कर, नॉट पॉसिबल. Not possible. 2x minus 4 is equal to 5. X is equal to 9 upon 2. यानी कि 4.5 यहाँ पे आता है क्या? Exactly. Second question. Second question में था is equal to 2. Is equal to 2. तो 2 is equal to 2. Okay. Always okay. But case must be followed. यानी ये full case answer. Case is greater than. So x greater than or equal to 3. यहां पे 2x minus 4 is equal to 2, x is equal to 3. Already आ गया वो. Minus 2 is equal to 2 होता है क्या? यहां पे कट, correct? बाकी चेक करो. फर्स्ट क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन हाउ मेनी सॉल्यूशंस? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. थर्ड क्वेश्चन इज इक्वल टू 1. तो 2 इज इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल, माइनस 2 इज इक्वल टू 1 भी नॉट पॉसिबल, x इज इक्वल टू 5. हाँ, ये जो है लेस देन 3 होता है. ओके, हाउ मेनी सॉल्यूशंस? 1 सॉल्यूशन. फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में है इज इक्वल टू माइनस 2. तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, ऑलवेज ओके, केस मस्ट बी फॉलोड. और केस था एक्स लेस देन 1. फुल आंसर है. ये चेक करो, 2x minus 4 is equal to minus 2, यानी x is equal to 1. ये इस रेंज में या फिर इस डोमेन में, इस बाउंड्री में आ रहा है क्या? अरे आ तो रहा है यार, greater than equal to 1. पर ये नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे आंसर है फाइनली x less than equal to 1. How many solutions? Again? Infinite. Infinite solutions. और last part है यहाँ पर is equal to minus 3. Again minus 2 is equal to minus 3, not possible. 2 is equal to minus 3, not possible. और x is equal to कितना यहाँ पे? Plus 1 upon 2. Again not possible. तो यहां पे आंसर है क्या? नो सर. करेक्ट. ठीक है, तो देखो तुम्हें दिख रहा होगा सेम एक्सप्रेशन है लेफ्ट साइड राइट साइड, जस्ट नंबर चेंज हो रहे हैं. और नंबर चेंज होने के साथ में फिर इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी चेंज हो रहे हैं. ठीक है, तो एक मेथड तो ये होता है कि आप प्रॉपर इनको सॉल्व करो और फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में कमेंट कर दो. ठीक है, एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड. बेसिकली वहां पे इनके ग्राफ्स वगैरह बनाना सीखते हैं और उससे विद इन सेकंड्स पता चल जाता है कि क्या कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आने वाले हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. जल्दी से सीख लो क्योंकि बहुत इजी है, और ज्यादा टाइम लगाओगे तो फिर ज्यादा कंफ्यूज होगे. स्टार्ट करते हैं ग्राफ.
फर्स्ट है इसमें सबसे बेसिक सबसे सिंपल और फर्स्ट y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, x इज इक्वल टू जीरो आउटपुट x इज इक्वल टू जीरो पे आउटपुट जीरो x इज इक्वल टू वन और माइनस वन पे आउटपुट वन x इज इक्वल टू टू और माइनस टू पर आउटपुट टू ठीक है डेफिनेटली x को माइनस x से रिप्लेस करने पे कोई चेंज आ रहा है क्या तो ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस मैं भी ऐसे ही करता था 10th क्लास में ऐसे कुछ हो जाता था उसको रफ करके और फिर यहाँ पे ठीक है और फिर ये इधर तो इसको बोलते हैं वी शेप या फिर शार्प पॉइंट एट x इज इक्वल टू जीरो एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी तो वहां पे हम लोग शार्प पॉइंट देखते हैं कितने आ रहे हैं ठीक है और मॉडुलस की वजह से आता है नॉन डिफरेंशिएबल मतलब यहाँ पे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता ये शार्प पॉइंट बोलते हैं सडन चेंज ठीक है इफ क्वेश्चन इज लाइक दिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स दिस फंक्शन इज नॉट अ डिफरेंशिएबल देन आंसर इज वन पॉइंट क्योंकि इसमें वन शार्प पॉइंट है और भी कई सारी चीजें होती है वो देखेंगे बाद में ठीक है सो y इज इक्वल टू मॉड x ग्राफ है लाइक दिस ऐसा करेक्ट नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x एक पॉइंट और मॉडुलस ऑफ x ऑलवेज नॉन नेगेटिव तो ग्राफ कभी नेगेटिव y एक्सिस में नहीं बनेगा बट यहां पे ग्राफ कंप्लीटली नेगेटिव है क्योंकि पॉजिटिव में आपने लगाया नेगेटिव और ये बन गया ऑलवेज नेगेटिव ठीक है नेक्स्ट बनाते हैं लाइक दिस y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 3/2 तो यहां पे शार्प पॉइंट आता है एट x इज इक्वल टू 3/3 देखो इसको कई तरीके से समझ सकते हो आप जैसे मॉड x है क्रिटिकल पॉइंट है 0 तो ये मॉड ब्रेक होगा एट x इज इक्वल टू 0 यहां पे 0 के राइट साइड में डेफिनेशन विल बी y इज इक्वल टू एज इट इज ओपन और 0 के लेफ्ट में ओपन विद माइनस यहां पे इसका इसको बोलते हैं डेफिनेशन चेंज हो गया इसका ना डेफिनेशन चेंज हो गया मतलब वो चेंज हो गया ऐसा चेंज हो गया ना ये ठीक है x इज इक्वल टू 3/2 पे शार्प पॉइंट और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं v शेप ठीक है इसको ब्रेक भी करोगे ना तो भी x इज इक्वल टू 3/2 पे ही करोगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 पॉजिटिव ओपन एज इट इज तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ठीक है 3/2 के लेफ्ट में ओपन विथ2x + 4 क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस टू पर वी शेप ऐसा x इज इक्वल टू 0 पे कितना आउटपुट है 4 और यहां पे x इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट 3 ठीक है इक्वेशन फॉर दिस लाइन y इज इक्वल टू माइनस टू Equation of this line y is equal to 2x plus 4. Okay, तो ये सब तो काफी easy ही होता है ना? ठीक है, और देखते हैं इसमें. Like question है, पहले काम करते हैं, पहले linear सीख लेते हैं. Y is equal to modulus of x minus 1, वहीं पे आते हैं, उसी question पे आते हैं. Question था, modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 4. मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 तो देखो जो बेसिक मेथड है ना इसको ड्रॉ करने का वो तो ये कि आप पहले इसको y इट्स नेचर ओपन करोगे
then you will get three types of line. जिसमें जो है कहां चला गया क्या एक लाइन तो ये रहा y is equal to 2x minus y सेकेंड लाइन y is equal to सेकेंड लाइन y is equal to 3 और थर्ड लाइन y is equal to -2 एक काम करो इनको तुम ड्रॉ करो एक बार अपने आप से ना एक ये ड्रॉ करो बट ये ड्रॉ करोगे ओनली फोर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक ये ड्रॉ करो कहां चला गया ये रहा वाई इज इक्वल टू लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और ये ड्रॉ करोगे ओनली फॉर दिस रीजन और थर्ड वन ड्रॉ करो दिस वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस एंड ये ड्रॉ करोगे ओनली फॉर एक्स लेस देन वन लाइन है ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स नीचे होते हैं जस्ट टू पॉइंट्स ही होते हैं करो एक बार ड्रॉ करो देखो क्या शेप आती है करो ड्रॉ करो y is equal to 2x minus 5 at x is equal to 4 output ye draw kar rahe hain abhi na ye draw kar x is equal to 4 pe output 3 dekho वैसे तो line draw करने के लिए 0 वगैरह put करते हैं but 0 put करोगे तो आगे आ जाएगा ना इधर कहीं पे आ जाएगा तो इससे अच्छा राइट साइड ही बनाओ ना अब कितना put कर दो इसमें 5 into 2 minus 5 यानी कि 5 यानी ऐसे समझ गए ये लाइन आप ड्रॉ करो देखो ये लाइन y is equal to 2x minus 5 लाइन को ड्रॉ ऐसे नहीं करते जैसे टेंथ में करते थे ना वैसे ही करो वैल्यूज पुट करो इसमें बट वैल्यूज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू हाँ तो इसके लेफ्ट में इसको यूज ही मत करो ना भाई 4 पुट करो कितना आउटपुट आ रहा है 3 अब 5 पुट कर दो 5 into 2, 10 minus 5 यानी कि 5 उधर कहीं पे आएगा बट अभी वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है ना तो इसलिए शो नहीं कर रहे इसको क्योंकि मैं इसको शो करूंगा तो बाद में ऐसा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को जब आप नोट्स पढ़ोगे कि इसमें ये भी क्रिटिकल पॉइंट है तो इस कहने का मतलब ये कि जस्ट ऊपर जा रहा है इसे एंड दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 2x minus 5 This line is y is equal to
थ्री हाँ, और यहाँ पे लाइन है y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस फाइव, x इज इक्वल टू वन आउटपुट थ्री। और भी कुछ पुट, एक सेकेंड अच्छा तुम लोग इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे क्या, ये यहाँ पे आ गया ठीक है, इसको उधर बना देते हैं, इसको थोड़ा राइट साइड कर देते हैं। x इज इक्वल टू वन पे आउटपुट थ्री, और वन के लेफ्ट में कुछ तो पुट कर दो, लेट्स से x इज इक्वल टू जीरो, जीरो पे आउटपुट वन प्लस फोर यानी फाइव, यानी ऊपर जाएगा इसे। सो फाइनली ग्राफ है दिस। अच्छा इक्वेशन ऑफ दिस लाइन y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस, फाइनली ग्राफ है दिस। At how many points this function is not differentiable? Two points. पे ये है not differentiable. तो ये बन गया इसका graph. देखो वैसे भी यार x is equal to आप infinity put करोगे ना, तो infinity plus infinity यानी infinity. Output infinity ऊपर. Minus infinity put करते हो, तो भी minus infinity का mod यानी infinity. Infinity plus infinity. यानी अगेन ऊपर, ऐसा करेक्ट ओके। अभी लाइक क्वेश्चन है दिस, इज इक्वल टू के, फाइंड आउट, अभी नोट मत करो, समझ लो पहले, नोट मत करो, फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ के सो दैट दिस इक्वेशन हैविंग लाइक, चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं पूरा, वैल्यूज ऑफ के वर्सेस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वो एनालिसिस कर लेते हैं, डिस्कस के वर्सेस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, शॉर्ट एंड स्वीट स्वीट क्वेश्चन हो गया ठीक है। तो देखो जल्दी से बनाओगे आप इसका ग्राफ, अब सुनो ग्राफ बनाने के लिए इतना सब नहीं करना पड़ता है कि पहले इक्वेशंस वगैरह लिखो फिर उनको ड्रॉ करो ये करो वो करो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है ठीक है, पहले तो ग्राफ वगैरह बना लो, सॉरी क्वाड्रेंट सिस्टम बना लो। अभी क्रिटिकल पॉइंट्स x इज इक्वल टू वन एंड x इज इक्वल टू फोर, सेकेंड पॉइंट थोड़ा ध्यान सुन लेना, यहाँ पे प्लस साइन है, मॉडुलस के बीच में प्लस साइन होना चाहिए ठीक है, एंड ऑल कोफिशिएंट्स शुड बी सेम ऑफ एक्स, प्लस साइन और सेम, तो इन दोनों पे सेम आउटपुट आता है, यानी वन और फोर पे सेम ही आउटपुट आएगा, वन पे आउटपुट कितना आ रहा है थ्री, अरे वन पुट करो ना, वन माइनस वन जीरो और वन माइनस फोर माइनस थ्री, मॉड है तो थ्री, फोर पुट करो, फोर माइनस वन थ्री मॉड थ्री, फोर माइनस फोर जीरो ठीक है, तो प्लस साइन कोफिशिएंट सेम आउटपुट सेम, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना तो डिफरेंट आउटपुट आते हैं, जैसे एक्स इज इक्वल टू वन पुट करो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये जीरो और ये कितना आ रहा है टू, टू यानी आउटपुट है टू एट एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू अभी यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है वन और दिस क्रिटिकल पॉइंट टू पुट करो इसमें, अभी टू माइनस वन वन और ये जीरो, तो यहाँ पे आउटपुट है वन और यहाँ पे आउटपुट कितना आ रहा है डिफरेंट आता है, डिफरेंट आता है, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट जस्ट इतना कर रहे हैं कि यहाँ पे प्लस साइन एंड कोफिशिएंट सेम तो आउटपुट सेम, माइनस करोगे तो भी डिफरेंट ही आउटपुट्स आता है, देख लो x is equal to 1 पुट करो आउटपुट माइनस 3, 4 पुट करो आउटपुट प्लस 3, डिफरेंट है।
आप ये मत सोचना कि अच्छा प्लस माइनस आ जाता है, माइनस साइन होता है, तो मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे फिर इनफिनिट सिचुएशंस बन जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट जस्ट इतना कर रहे हैं कि यहाँ पे प्लस साइन एंड बोथ कोफिशिएंट सेम, तो सेम आउटपुट आता है, ठीक है। तो वन और फोर जल्दी से कैलकुलेट करोगे, आउटपुट कितना आ गया यहाँ पे, थ्री। ऐसे इनको ज्वाइन कर दो, यहाँ पे थोड़ा सा डॉटेड बना दो और फिर इसको ऊपर लेके चल दो। x इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू मार्क करना है तो कर दो, अदरवाइज नहीं करते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, डन, ठीक है। ये ग्राफ हो गया अभी लेफ्ट साइड पोर्शन का। राइट साइड पोर्शन है क्या, जस्ट यानी y इज इक्वल टू k। नाउ ड्रॉ y इज इक्वल टू k विच इज लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अभी देखो सॉल्यूशंस का मीनिंग क्या होता है, वेयर लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन और राइट साइड एक्सप्रेशन इक्वल, यानी ये लाइन इस ग्राफ को जितने प्लेसेस पे मीट करता है ना वो सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे ये लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये लाइन, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, ये दोनों दिस वन और दिस वन कहीं पे मीट कट या टच हुए जैसा कुछ हो रहा है क्या, नो सॉल्यूशन। नाउ टू सॉल्यूशन ओके। अब सोच के बताओ यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर, नो सॉल्यूशन, के शुड बी, के यानी वाई इज इक्वल टू के यानी वाई कोऑर्डिनेट, for no solution k should be less than 3। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट पे आते हैं टू solutions, k should be greater than 3। अच्छा ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे स्टॉप हो गया ना, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे आ गया और फिर ऐसे या फिर ऐसे निकल गया है ना, तो ये सब नहीं चलता है, ठीक है। k greater than 3 infinite solutions equal to 3, जैसे दो lines overlap हो जाते हैं तो कितने solutions बोलते हैं वहाँ पे, वैसे यहाँ पे भी overlap हो गया, इसको बना के दिखाना है, समझ गए, वो diagram फिर थोड़ा सा खराब दिखेगा, ठीक है। so k is equal to 3 पे infinite solutions। अभी question है like कि find out solutions, तो सॉल्यूशंस होते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स। ध्रुव सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं इसके, इसमें ये जो जस्ट अभी डायग्राम ड्रॉ किया है सॉल्यूशंस क्या दिख रहे हैं, इनफाइनाइट नहीं, वो तो ठीक है, वो तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गया, हाँ सॉल्यूशंस बताओ मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स, वो आपको एक्स एक्सिस पे देखना होता है, वन से फोर तक, हाँ 1 to 4 ये फुल सॉल्यूशंस हो गए, करेक्ट। लेस देन 3 में तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ग्रेटर देन 3 में सॉल्यूशंस फाइंड कर नहीं पाओगे क्योंकि वो पता होना चाहिए ना क्या है लाइन एक्चुअल में, तो इसलिए यहाँ पे भी देखो यही हो रहा था, जैसे कहाँ चला गया ये क्वेश्चन, इज इक्वल टू 6, तो इज इक्वल टू 6 इज ग्रेटर देन 3, हाउ मेनी सॉल्यूशंस शुड बी देयर, और एक क्वेश्चन था कहां चला गया ये, और ये रहा इज इक्वल टू 2 आंसर, नो सॉल्यूशन, और ग्राफ से भी क्या आंसर आ रहा है, नो सॉल्यूशन, करेक्ट। तो एक क्वेश्चन तो देखो ये बन गया इसमें है ना, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, लाइक क्वेश्चन है दिस f of x is equal to modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 4, find out f of x minimum, तो क्या दिख रहा है इस ग्राफ से, इसका मिनिमम आउटपुट
अनुष्का तुम बताओ, मिनिमम आउटपुट, आउटपुट होता है ऑन वाई एक्सिस। अच्छा वाई एक्सिस का मतलब ये नहीं कि ये तुम बता रहे हो ना, वाई एक्सिस का मतलब ऐसा डाउन टू अप ऐसा, ये आउटपुट्स होते हैं और ये इनपुट्स होते हैं, समझ गए ना। कर्सर जैसे लेफ्ट टू राइट, ये इनपुट्स होते हैं, थोड़ा धीरे करता हूं ना, ये इनपुट्स होते हैं और ये आउटपुट्स होते हैं। तो इस ग्राफ का मिनिमम आउटपुट कितना दिख रहा है, देखो ये ग्राफ ऐसे ऊपर से आया ठीक है, फिर नीचे आ गया, फिर ऐसे चला गया, फिर वापस ऊपर चला गया, मतलब मैं कैसे डाउन टू अप इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, कोई भी रिप्लाई करो यार इसका आंसर। हाँ तो मिनिमम आउटपुट इज थ्री, जैसे ये है मिनिमम आउटपुट फाइव, एंड दिस आउटपुट इज ऑब्टेंड एट एक्स इज इक्वल टू टू, टू पे मिनिमम आउटपुट आ रहा है और वो आउटपुट है फाइव, बाकी इसके आउटपुट से स्टार्ट फाइव से हो रहे हैं और मैक्सिमम कहां तक जा रहे हैं, बिल्कुल यहां पे मिनिमम आउटपुट एट हाउ मेनी पॉइंट्स, कुछ भी कर दो आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, शो किया है तो क्या केवल दो ही पॉइंट्स है क्या, ऐसे तो फिर मैं यहाँ पर शो कर दो थ्री पॉइंट्स हो गए, फिर एक ये शो कर दो फोर पॉइंट्स हो गए, ऐसे नहीं है, वन टू फोर तक इनफाइनाइट पॉइंट्स है ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स मिनिमम आंसर इज करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस या मॉड एक्स कर देते हैं और ऐसा ये ग्राफ फॉर्म करते हैं, दिस ग्राफ वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री, अगेन कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट ऑब्जर्व क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ पे है बोलो, माइनस थ्री जीरो थ्री, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस विल बी देयर, कितने डिफरेंट टाइप के लाइंस यहाँ पे आने वाले हैं, फोर टाइप्स की लाइन आने वाले हैं, एक यहाँ पे आएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री में आएगा ना एक, सेकेंड यहां पे आएगा एक्स लेस देन थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एक किधर आएगा एक्स लेस देन जीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस थ्री, और एक यहां पे आएगा एक्स लेस देन माइनस थ्री। तो एक मेथड तो ये कि पहले अलग अलग केसेस में इसको ओपन करो, लाइंस फाइंड करो, उन लाइंस को अपने अपने बाउंड्रीज में ड्रॉ कर दो, डन, बाकी इतना नहीं करना होता है, डायरेक्ट मेथड इज तुम एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। देखो तुम एक बात, तो ये मॉड वगैरह है काफी सारे, और मॉड के अंदर हाउ मेनी डिग्री, ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं किसी केस में मॉड को ओपन करूं और एक्स स्क्वायर बन जाए,
यानी इन एवरी सिनेरियो, इन एवरी बाउंड्री या इन एवरी केस आपको जस्ट मिलने वाले हैं विच टाइप ऑफ ग्राफ्स, स्ट्रेट लाइन या पैराबोलिक? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट सफिशियंट होते हैं? दो पॉइंट्स। तो हम लोग बस दो पॉइंट्स को लेकर के उनको ज्वाइन ही तो कर रहे हैं। x is equal to 3 पे आउटपुट कितना आ रहा है बोलिए? 3 पुट करो इसमें। 9 हाँ 9। x is equal to minus 3 पे आउटपुट 0, 3 और 6 अगेन 9। x is equal to 0 पे आउटपुट 6, 0 पे आउटपुट है 6, करेक्ट। इनको ज्वाइन कर दो, डन। अगेन अभी बताया था यहां पे होना चाहिए प्लस साइन एंड कोफिशिएंट्स शुड बी सेम। यहां पे कितने नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स थे? 2। यहां पे Three. मिड में एक आएगा, यहाँ पे मिड में 2 है, दोनों पे सेम, यहाँ पे मिड में एक ही है, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इससे इक्विडिस्टेंट सेम आउटपुट्स आते हैं। दिस डिस्टेंस 3 और दिस डिस्टेंस 100% इससे लेट्स से 10 5 डिस्टेंस पे क्या आएगा? 5। और इससे इधर 5 डिस्टेंस पे कितना आएगा? -5। दोनों पे आउटपुट सेम ही आएगा। इसका रीजन ये होता है क्यों, इसमें क्या होता है इंक्रीज और डिक्रीज होने की रेट सेम ही आती है, वो बाद में देखेंगे, अभी पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो 3 पे आउटपुट है 9, -3 पे भी आउटपुट है कितना? 9। 0 पे आउटपुट है 6। इनको ज्वाइन कर दो, अभी बचा ये पोर्शन और दिस पोर्शन। इस पोर्शन के लिए क्या करते हैं, 3 के राइट साइड में कोई भी वैल्यू पुट कर दो इसमें, वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं, आप डेट इंफिनिटी पुट करो, इंफिनिटी 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 आंसर इंफिनिटी, तो ग्राफ ये ऊपर ही जाएगा कंफर्म। अब थोड़ा डाउट ये आता है कि जैसे ये लाइन है यार, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, सीखना पड़ेगा आपको ये ना। तो इसमें ऊपर जाने की एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसा चला गया, समझ रहे हो, एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसी में ग्राफ आगे कंटिन्यू हो गया, एक पॉसिबिलिटी ये है कि इससे ग्राफ थोड़ा सा नीचे और फिर ऊपर चला गया। तो ये बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं ये बताओ, ये कुछ स्लोप का इशू हो गया ना यहाँ पे, विच स्लोप इज ग्रेटर, ए और बी? ए। जितना क्या बोलते हैं इसको, स्लाइडिंग जितना इजी होता है ना उतना स्लोप ज्यादा होता है। यहाँ पे विच स्लोप इज ग्रेटर, ए और बी? बी। यहाँ पे दोनों से, और यहाँ पे दोनों सेम, ठीक है, क्योंकि सेम लाइन कंटिन्यू है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना ये स्लोप ज्यादा निकल के आता है ऐसा। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, दिस लाइन, इसका इक्वेशन लिखना आना चाहिए आपको, दिस पोर्शन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल मॉड ओपन क्या एज इट इज, यानी y इज इक्वल टू 3x माइनस 6 y इज इक्वल टू 3x। स्लोप कितना है इसका? 3। दिस लाइन का इक्वेशन बोलो, करो इसको ओपन करना पड़ेगा आपको यार, ओपन भी कर सकते हो, सुनो ओपन भी कर सकते हो, अदरवाइज ये भी कर सकते हो, लाइक दिस पॉइंट इज 0 कॉमा एंड दिस पॉइंट इज 3 कॉमा 9। तो 2 पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन लिख दो, आपको मॉड ओपन करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होगा,
लिखो एक इसका इक्वेशन लिखो x प्लस सिक्स y इज इक्वल टू x प्लस सिक्स सिक्स स्लोप कितना है यहाँ पे बोलो माइनस वन समझ में आ गया ये ऊपर ऐसे क्यों ऐसे इसका स्लोप ज्यादा क्यों आया अभी ठीक है दिस पॉइंट माइनस थ्री कॉमा इसका इक्वेशन लिखो माइनस एक्स प्लस सिक्स माइनस एक्स प्लस सिक्स और जिसका इक्वेशन लिख दो ऑल मॉड ओपन विथ नेगेटिव नेगेटिव हाँ कितना रहेगा बताओ माइनस थ्री एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स तो ये है इसका फाइनल ग्राफ एनी डाउट अगेन इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल आंसर थ्री शार्प पॉइंट्स है सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है इज इक्वल टू के अभी आप लोग जो शीट में बोल रहे थे ना वो हो जाएगा क्वेश्चन इज इक्वल टू के बताओ यार जो भी तुम्हें दिख रहा है के वर्सेस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नो सॉल्यूशन के लेस देन सिक्स वन सॉल्यूशन के इज इक्वल टू सिक्स एंड इन दिस केस सॉल्यूशन इज एक्स इज इक्वल टू बिल्कुल टू सॉल्यूशंस नाइन के ग्रेटर देन सिक्स से ऊपर कोई भी के ड्रॉ कर लो यार आप है ना आपको कितने जगह पे ये ग्राफ कट करेगा टू प्लेसेस यानी के ग्रेटर देन सिक्स क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स आंसर मिनिमम आउटपुट इज सिक्स ये क्वेश्चन था एक्सरसाइज वन पार्ट टू फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस देखो बहुत जल्दी से हो जाता है कुछ भी नहीं है पूरा ग्राफ बनाने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होता ऑब्जर्व प्लस साइन कोफिशियंट ऑफ एक्स सेम तो जो मिड क्रिटिकल पॉइंट होता है ना मिड में वहां पे क्या मिनिमम यानी मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट एक्स इज इक्वल टू कितना 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 टू पे कितना आउटपुट आ रहा है आंसर सपोज करो इसमें कैसा भी होता प्लस इसमें मैं लिख नहीं पा रहा हूं ना प्लस एक्स माइनस फोर मॉडुलस तो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वन टू थ्री और फोर मिड में आते कितने वहां पे टू और थ्री दोनों पे आउटपुट डेफिनेटली सेम और वही होता मिनिमम ऐसा करेंगे अभी क्वेश्चंस ठीक है तो इसमें कोई डाउट है अभी बोलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 5 प्लस कुछ भी लिख लो यार x प्लस 5 x प्लस 3 x माइनस 1 और कुछ भी लिख देते हैं x माइनस 6 ऐसे
अच्छा अगेन इसका एक एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है कि इन दोनों के आउटपुट सेम क्यों आ रहे हैं, कोफिशिएंट सेम होने पे तुम कोफिशिएंट को चेंज करना फिर इनपुट रखना इसमें तो 100% आउटपुट डिफरेंट आएगा। उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्फिनिट केसेस बन जाएंगे ऐसे। कमेंट जस्ट इतना कर रहे हैं कि यहाँ पे प्लस साइन और कोफिशिएंट सेम तो आउटपुट भी सेम ही आता है। और वैसे भी यदि कोफिशिएंट तुमने हर तरफ 5 5 5 कर दिया तो वो 5 तो कॉमन ही आ जाएगा ना, फिर 1 बन गया वो तो ऐसा। ठीक है नेक्स्ट है दिस y इज इक्वल टू दिस 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 एंड दिस प्लस साइन कोफिशिएंट ऑफ x सेम। इसको जल्दी से बनाओ देखो क्या करते हैं। अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लो, इसको 3 कर लो यहाँ पे। आउटपुट एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 कितना आउटपुट है 12। क्या तुम लोग समझ रहे हो ना आउटपुट का मीनिंग क्या है। यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 1 रखते हो बट थोड़ा सा मॉड का ध्यान रखते हैं ना क्योंकि मॉड वो पॉजिटिव बनाता है फिर नंबर्स को। ठीक है सो 1 पे आउटपुट कितना बता रहे हो आप लोग 12। ठीक है 101% माइनस 3 पे भी आउटपुट कितना आएगा 12। तुम चेक करके देख सकते हो ना, कोई शक है आप लोगों को तो चेक कर लो सेम ही आता ऐसा। एक पॉइंट और, इससे इक्विडिस्टेंट सेम आउटपुट्स आता है। यहाँ पे अभी मिडिल में 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो इनसे इक्विडिस्टेंट देखोगे ऐसा। लास्ट में एक ही क्रिटिकल पॉइंट था तो इससे डिस्टेंस देखोगे। अरे यहाँ पे तो एक ही है ना तो इधर से डिस्टेंस देखोगे ऐसा। यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो इनसे डिस्टेंस देखो। इसको थोड़ा अपने वर्ड्स में लिख लेना है आप लोग लेक्चर के बाद में ना चीजों को। ठीक है तो यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे सेम आउटपुट्स आएंगे। कंडीशन ये है कि प्लस साइन होना चाहिए और कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। ठीक है तो 1 और 3 डिस्टेंस, 2 माइनस 3 और माइनस 5 डिस्टेंस सेम आउटपुट्स विल बी देयर। ठीक है x इज इक्वल टू 3 पुट करो कितना आउटपुट आ रहा है 16। तीन आउटपुट आ रहा है। सिक्सटीन मतलब इधर पे यहाँ पे लगता है 16। अब इनको फाइनली आप ऐसा ज्वाइन कर दो।
थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाना है ना, वो क्या स्लोप ज्यादा निकल के आएगा वहां पे y इक्वल टू 4x जैसा कुछ आएगा और यहाँ पे y इक्वल टू 2x जैसा कुछ आएगा। डन। अच्छा ये थोड़ा सा पहला नहीं लग रहा, इसको पहले any doubt? अगेन इक्वेशंस आपको, अच्छा एक पॉइंट और, जैसे अभी इस क्वेश्चन में करेक्शन किया था ना हम लोगों ने, यहाँ पे 5 था, 5 ठीक है, तो 1 और 5 का डिस्टेंस है 4 और यहाँ पे डिस्टेंस है 2, तो इस पे आउटपुट थोड़ा और ज्यादा आना चाहिए, तुम समझ गए ना चीज को, क्योंकि 2 डिफरेंस पे आउटपुट सेम है, तो 2 डिफरेंस पे आउटपुट यानी कि 16 3 पे, तो 5 तो और आगे निकल गया ना, तो वहां पे आपका ग्राफ बनता लाइक ऐसे कुछ, थोड़ा सा ये ऊपर और फिर इसको ऐसा और फिर इसको ऐसा, मतलब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है क्या बना दिया मैंने, ठीक है फिर से बनाया था इसको, तो ये ऐसे और फिर ये थोड़ा लाइक ऐसा और फिर ये ऊपर, तो ये जो शार्प पॉइंट है ना ये थोड़ा ऊपर आएगा इसके, अरे समझ रहे हो ना, जैसे x माइनस 5 होता, अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सिंपल बनाने के लिए हम लोगों ने इनको इक्विडिस्टेंट यूज किया था बस, करेक्ट। अगेन इज इक्वल टू k, नो सॉल्यूशन, k लेस देन 12, मतलब जैसे ये क्वेश्चन होता कि फाइंड सॉल्यूशंस, आप सॉल्व ही मत करो इसको, मतलब सॉल्व तो करो बट वो वाला सॉल्व मत करो ना, और जल्दी से इसका ग्राफ बना दो। ग्राफ बनाने के लिए अभी हम लोग इतनी फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, बाकी इतनी फॉर्मेलिटीज करने का रिक्वायरमेंट होता नहीं है, बाद में हम लोग ऐसा कंक्लूजन निकाल लेते हैं, देखो कि इसके आप क्रिटिकल पॉइंट्स काउंट करो, क्रिटिकल पॉइंट्स है 4, प्लस साइन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स सेम है, तो शेप आएगा लाइक दिस। ऑड नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट होते तो मिड में जस्ट 1 ही आता और वहां पे शेप होता ऐसा कुछ, तो नो सॉल्यूशन के लिए जो y इज इक्वल टू k है वो इससे बिलो होना चाहिए, और यहां पे नो सॉल्यूशन के लिए इससे बिलो होना चाहिए, तो अभी है लेट्स से यहां पर 11, डेफिनेटली मिनिमम वैल्यू will be obtained at x is equal to minus 3 or 1, हाँ दोनों में से कोई भी एक, और वो कितना आ रहा है 12, तो उसका मिनिमम वैल्यू 12 है, तो वो 11 थोड़ी होगा फिर, यानी कितने सॉल्यूशंस हो गए, नो सॉल्यूशन, सपोज करो इज इक्वल टू 12 होता है, आप अगेन ये वाला ग्राफ बना लो ऐसा, और आपको पता चल गया कि यार मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है 12, और राइट साइड में भी कितना है 12, तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस हो गए अभी, इनफाइनाइट। इस सिचुएशन में व्हेन ऑड नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स थे, अभी कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे, वन सॉल्यूशन, सिंपल बात है, और सपोज करो इज इक्वल टू में है 14, आप जल्दी से ऐसा शेप बना लो और ये इधर कहीं पे आएगा, कितने सॉल्यूशंस हो गए, टू सॉल्यूशंस। अभी ये आपका एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर चला गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाएगा, ठीक है, तो ये आप लोग ट्राई कर लेना, बाकी अभी इन इक्वेशंस अभी रहने दो क्योंकि वो अभी हुआ नहीं है। डन। वन
क्लियर? तो सही है, नो सॉल्यूशन के लेस देन 12, इनफिनिट सॉल्यूशंस के इज इक्वल टू, और इस केस में सॉल्यूशंस है एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री टू प्लस टू, सॉल्यूशंस के ग्रेटर देन वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, पॉसिबल करेक्ट, ओके ठीक है। तो ये इस तरीके से ग्राफ फॉर्म हम लोग कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस हैं, ये होमवर्क में करके आना। y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 5 प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ, एक काम करते हैं इसको 6 कर लेते हैं, प्लस x प्लस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 6, ठीक। इसका ग्राफ, ग्राफ तो क्या इज इक्वल टू के, के वर्सेस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, करेक्ट है, विदिन सेकंड्स आंसर आ जाएगा, जो मिड में दो होते हैं ना उन पे आंसर आता है। अब काफी लोग इसमें ये मिस्टेक कर देते हैं, जैसे क्वेश्चन में क्या होता है, अभी यहाँ पे ऑलरेडी जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है ना वो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, तो ये चेक कर लेना, ऐसा ना हो कि ये इधर कहीं पे लिखा हो और आप देखो अच्छा मिडिल में दो ये आ रहे हैं और उन पे आंसर बताओ, समझ गए ना, तो पहले उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना और फिर मिडिल में दो वाले, डन ठीक। एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके आए, आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं, क्लियर? इसके अलावा होमवर्क कभी नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर के बाद फिर करेंगे होमवर्क, ठीक है? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म, ओके बाय बाय, ओके बाय सर, बाय सर, ओके बाय सर।